हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, इंडिया में आजकल क्रिप्टो करेंसी इतना ज्यादा फेमस हो रहा है कि हर एक कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, और यहां तक कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। क्यों ना करें, जब रातों रात पैसा डबल करने का मौका मिल रहा है तो कौन ऐसा मौका छोड़ेगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी का नाम लेते ही सबके मन में बिटकॉइन आ जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन जैसे तमाम क्रिप्टो करेंसी है जिसने कुछ ही दिनों में अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, और यहां तक कि अब फ्लिपकार्ट ने भी कहा है कि अब आप क्रिप्टो करेंसी से भी शॉपिंग यहां पर कर सकते हो। तो बेसिकली आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बिटकॉइन या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे आज मैं वजीर एक्स का यूज करने वाला हूं, हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो कॉइन्स उसका भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि उसमें बाइंग और सेलिंग प्राइस अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी कॉइन को खरीदा 20 रुपए में, लेकिन अगर आप उसी वक्त उसको सेल करने जाएंगे तो वो 15 में बिकेगा, तो ये लॉस है आपका कॉइन सूच में। और यहां पर आपको काफी कम कॉइन देखने को मिलते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा वजीर एक्स में नहीं है। वहां पर आपको तमाम क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और वहां पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप बाय करोगे या फिर सेल करोगे, सब प्राइस एक ही में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आज मैं वजीर एक्स यूज करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहां पर जैसे ही आप आएंगे, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा गेट इट ऑन गूगल प्ले का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे आएंगे, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो देखिए, मैं अभी इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको ओपन पे क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर में आपको योर अकाउंट का लोगो देखने को मिलता है, ये देखिए, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर साइनअप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइनअप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड सेट करना होगा। तो ईमेल आईडी, जो भी आपका पुराना ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर दे देंगे, और उसके बाद में आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। कोई भी रैंडम पासवर्ड आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं जिसको आप याद करके रखेंगे। पासवर्ड सेट करने के बाद में आपको यहाँ पर एक रेफर कोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर एक रेफर कोड डाल देना है। तो देखिए, अभी मैंने रेफर कोड डाल दिया है। आपको अपना रेफर कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, वहां से आप जाके कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहां पर आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे, यहां पर आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद में आपने आप जो भी ईमेल आईडी वहां पर दी थी उसको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी पे आ जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक ईमेल आ चुका है, इस पे मैं क्लिक करूंगा और कुछ इस तरीके से आपको भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है कि आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो गया है सक्सेसफुली। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपने ईमेल आईडी से वेरीफाई सक्सेसफुल करवाते हैं, उसके बाद आप दोबारा से इस ऐप में आ जाएंगे। जैसे ही आप आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए कुछ प्रोसेस करवाना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑथेंटिकेट ऐप से करवा सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल नंबर से करवा सकते हैं SMS के द्वारा, या फिर आपको यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन मिलता है नन का, इसमें आपका अकाउंट बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने अकाउंट को बिल्कुल सेफ रखिए, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम इसको मोबाइल SMS पे क्लिक करेंगे और मोबाइल के द्वारा इसको सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो वर्किंग में है, क्योंकि उस पे एक OTP जाएगा। मोबाइल नंबर देने के बाद आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो देखिए, OTP आ चुका है। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर हो चुका है। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ वेलकम पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, इंडिया को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पर KYC करवाना होगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप KYC नहीं करवाते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, और अगर आप KYC करवा लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर KYC नहीं करवाते हैं तो आप अपना पैसा यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हो, और साथ ही में आप यहाँ पर कॉइन को बाय और सेल कर सकते हो, लेकिन उस जो भी पैसा आपको मिलेगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसको आप अपने बैंक में विड्रॉ नहीं कर सकते, और साथ में P2P भी नहीं करवा सकते। और अगर आप KYC करवा देते हैं तो आपको यहाँ पर सारा ऑप्शन अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर डिपॉजिट करवा सकते हो, कॉइन को बाय सेल कर सकते हो, पैसा विड्रॉ कर सकते हो, और साथ ही में P2P भी कर सकते हो। KYC करवाने के लिए आप कंप्लीट KYC पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जैसे कि अपना फर्स्ट नेम। तो चलिए, हम यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देते हैं। फर्स्ट नेम देने के बाद आप यहाँ पर मिडिल नेम भी दे सकते हैं, या फिर आप लास्ट नेम भी दे सकते हैं। ये हालांकि ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो हम लास्ट नेम में कुमार दे देते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ देने के बाद में आप यहां पर अपना एक एड्रेस देंगे, तो जिस भी एड्रेस पे आप रहते हैं वो आप यहां पर दे देंगे। एड्रेस देने के बाद में नीचे आप अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, नीचे में आप अपना सिटी बताएंगे, और उसके बाद आप यहां पर अपना पिन कोड दे देंगे। देख सकते हैं, अगर सब चीज सही होगा तो यहां पर टिक का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स और करने होंगे KYC करने के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पर एक सेल्फी लेना होगा,
अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने होंगे, जैसे कि आप पैन कार्ड डॉक्यूमेंट्स या फिर पासपोर्ट, ऐसे कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने होंगे, जिसके लिए आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखेंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर आप एक्सेप्ट पे टिक करेंगे, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपना एक सेल्फी लेना है, लेकिन सेल्फी कैसे लेना है, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स ऐसे पकड़ के हाथ में, यहाँ पर देखिए बताया गया है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, तीनों में से कोई एक चीज आपको पकड़ के और ऐसे सेल्फी ले लेना है। और सेल्फी लेने के बाद में आपको यहाँ पर एक अपलोड सेल्फी का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है और जहाँ भी आपने सेल्फी रखी हुई है उस पे ऐसे टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक पे क्लिक करेंगे वो सेल्फी यहाँ पर आ जाएगी। मैं आपको बता दूं ये जेपीजी या फिर जेपीजी में होनी चाहिए। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक टिक का ऑप्शन मिलेगा, उस पे आप क्लिक कर देंगे और अब आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड का पैन नंबर देना होगा। पैन नंबर देने के बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है और जहाँ भी आपका पैन कार्ड है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको टिक का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने वाले हैं। अपना पैन कार्ड का फ्रंट कॉपी यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है और सेल्फी के लिए ये सेल्फी हमने यहाँ पर दी है। अगर सब चीज़ सही है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। तो अभी मैं यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर देना है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देने के बाद में यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके ड्राइविंग लाइसेंस में है या फिर आधार कार्ड पे है वो आप यहाँ पर दे देंगे। ये सब देने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और अब आपने वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था उसका फ्रंट साइड का फोटो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो जैसे कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पर सेलेक्ट किया था तो ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। और अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने इससे पहले फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके अपलोड किया था उसका आपको बैक साइड का फोटो क्लिक करना है। जैसे कि हमने वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके अपलोड किया था, अब हमें ड्राइविंग लाइसेंस का बैक साइड का फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो हमने अभी बैक साइड का फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर दिया है। देखिए अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो हमने यहाँ पर एक ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड किया है और बैक साइड का भी फोटो क्लिक करके अपलोड कर दिया और एक सेल्फी दी है साथ में। अगर आपका सब चीज़ सही है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपका केवाईसी का डिटेल हमें मिल चुका है, लेकिन केवाईसी होने के लिए आपको यहाँ पर 1 से 3 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन अभी यहाँ पर आप फिलहाल जब तक केवाईसी नहीं होता आप यहाँ पर पैसा विदड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ आप यहाँ पर डिपॉजिट और ट्रेड कर सकते हैं। और साथ ही में आपको यहाँ पर एक लिंक भी दिया गया है जिसको आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं अगर आप इसको शेयर करेंगे तो आप यहाँ पर 50% कमीशन कमा सकते हैं। जब तक केवाईसी कंप्लीट होता है आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट का डिटेल भी ऐड करना होगा, क्योंकि जब भी आप बिटकॉइन या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सेल करेंगे तो वो अमाउंट आप इसी बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए आप होम पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर में सेटिंग का लोगो दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक है बैंक अकाउंट और एक है UPI। तो अगर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर दे देंगे, उसके बाद दोबारा से रीएंटर करेंगे अकाउंट नंबर और यहाँ पर आप अपना IFC कोड दे देंगे और यहाँ पर आपको बताना कि आपका जो अकाउंट है वो किस टाइप का, सेविंग है या फिर करेंट है। ये सब देने के बाद में आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप यस सेव इट पे क्लिक कर देंगे। अगर सब चीज सही है तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उसको डाल के यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे, आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। और अगर आप UPI ऐड करना चाहते हैं तो आप UPI के सेक्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर आप अपना UPI डाल के सबमिट पे क्लिक कर देंगे और जो भी OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे उसको डाल के आप यहाँ पर फिल कर देंगे तो आपका UPI भी सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। अगर आप UPI ऐड कर लेते हैं तो आप यहाँ पर UPI के थ्रू भी मनी ऐड कर सकते हैं। वेरीफाई योर अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना KYC स्टेटस देख सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो KYC है वो नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 से 3 दिन का टाइम लगेगा। तो लगभग 1 दिन के अंदर हो जाएगा आपका KYC, लेकिन अभी बहुत सारे लोग WazirX में आ रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन हाँ 3 दिन के अंदर तो कन्फर्म हो जाएगा। तो अभी मेरा KYC स्टेटस प्रोसेस में चल रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पर पैसे भी डिपॉजिट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। अगर आपका KYC हो जाता है उसके बाद आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको इसी बैंक अकाउंट से पैसे डिपॉजिट करना है। तो जब तक आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा तो आप किस बैंक से पैसे यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर पैसे भी डिपॉजिट नहीं कर सकता और ना ही किसी क्रिप्टो करेंसी में बाय या फिर सेल कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ और वीडियो भी काफी ज्यादा लंबी हो गई, तो इसका मैं Part 2 बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसमें पैसे डिपॉजिट करते हो और किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी को बाय करोगे, सेल करोगे, ट्रेड करोगे, ये मैं आपको उस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखना। तो अभी के लिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।